आज दिन कौन सा है? दिन है बुधवार। आज तारीख कौन सी है? तारीख है 26 अगस्त। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे एक कविता। क्या पढ़ाएंगे? एक कविता। आप सारे बच्चे बुक ओपन करिए, सॉन्ग टाइम फैन स्टोरी है सारे बच्चों के पास एक बुक, तो सारे बच्चे इसको ओपन करेंगे और पेज नंबर 40 को खोलेंगे। खोला सारे बच्चों ने? ठीक है, ओके। आज की हमारी कविता किस पर आधारित है आपको पता है? ये आपको दिख रहा है, ये क्या है बच्चों? क्या है ये? मछली। दिख रहा है ना आप सारे बच्चों को? मछली। आज की हमारी कविता जो है वो मछली पर आधारित है। हम सारे बच्चे आप सब रेडी हो जाइए, हम करके पढ़ेंगे आप कविता। किसकी कविता है? मछली जल की रानी है। तो हम अब शुरू करते हैं कविता को। अब सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे, ओके। तो करते हैं कविता स्टार्ट। ऐसे सारे बच्चे पहले मछली को बनाएंगे। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो जी जाएगी। इसको हम एक बार फिर से दोहराते हैं। मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो जी जाएगी। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? आप इसका एक छोटा सा वीडियो बना करके मुझे सेंड करिएगा, ओके। अभी हमने बच्चों आपको क्या सुनाया? हिंदी में कविता सुनाई। कौन सी कविता? मछली जल की रानी है। अब हम स्टार्ट करते हैं थीम 4 पे अपना डे 3, ओके। सारे बच्चे बुक्स ओपन कीजिए अपनी, थीम 4 वाटर। ठीक है, अब इसमें आप पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर 3, ओके। सारे बच्चे ओपन कीजिए और मेरे साथ साथ जैसे मैं करती जा रही हूँ सारे बच्चे वर्क को करते जाएंगे। आज थीम 3 में, डे 3 में क्या है हमारा? आई। हमें क्या करना है? आई को ट्रेस करना है, ओके। हम पहले आई को ट्रेस करते हैं। सारे बच्चे उसमें साथ साथ करते जाएंगे। आई को ट्रेस करना है, सबसे पहले हम आई को ट्रेस करेंगे, ओके। हमने आई को ट्रेस करते जा रहे हैं, आप भी ट्रेस करते जाइए। ये आई ट्रेस हो गया, ओके। ये हमारा आई ट्रेस हो गया। आप बुक्स में 3 या 4 लाइन दी है, इसको कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे, ओके। अब आई फॉर होता क्या क्या है? बने हैं ना इसमें पिक्चर्स, बने हुए आपको दिख रहा है। कलर द पिक्चर, पहले आई को ट्रेस करना है, उसके बाद जितने पिक्चर्स बने हैं उनको कलर करना है। देखिए मैंने बोर्ड पर भी पिक्चर्स बनाए हुए हैं। आई फॉर क्या क्या होता है? आई फॉर इन, क्या होता है? आई फॉर इन मीन्स चाहिए। आप जानते हैं जैसे ये मार्कर है, मार्कर कैसे चल रहा है? इसके अंदर इंक पड़ी है, उसी से तो ये मार्कर चल रहा है ना। तो आई फॉर इंक होता है, इंक मीन्स चाहिए। आई फॉर इंक लिखा हुआ ना, आई फॉर इंक। सेकंड पिक्चर हमारा क्या बना हुआ है? आई फॉर इंजेक्शन। आप बच्चों देखा है आप लोगों ने इंजेक्शन? हाँ देखा है, जब हम लोगों को कुछ कभी तबीयत खराब हो जाती है, फीवर हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो आई फॉर इंजेक्शन भी होता है, ओके। एंड नेक्स्ट क्या बना हुआ है हमारा? आई फॉर इग्नू। ठीक है, आई फॉर क्या होता है? इग्नू भी होता है। आई फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन की स्पेलिंग क्या होती है? आई एम जे ई सी टी आई ओ एन, इंजेक्शन। इन की स्पेलिंग क्या होती है? आई एम के इन। इग्नू की स्पेलिंग क्या होती है? आई जी एल ओ ओ, इग्नू। एंड द लास्ट हमारा पिक्चर किस चीज का बना है? आई फॉर आइसक्रीम। सारे बच्चों को आइसक्रीम पसंद है ना, तो आई फॉर आइसक्रीम भी होता है। आइसक्रीम की स्पेलिंग क्या होती है? आई
C-E-C-R-E-A-M ice cream. Okay? तो हमने आई को ट्रेस किया. अब हमें क्या करना है, कलर द पिक्चर. जितने बुक्स में आपके पिक्चर बने हुए हैं सारे पिक्चर्स को आपको कलर करना है. आई फॉर होता क्या क्या मैंने आपको बताया, आई फॉर इंकॉट और आई फॉर इंजेक्शन. एंड द नेक्स्ट है हमारा आई फॉर इग्लू. और लास्ट क्या है हमारा, इसमें बना इंसान. इंसान मीन्स क्या होते हैं, छोटे बच्चे को इंसान बोलते हैं. तो आई फॉर इंसान भी होता है. तो ये आप सारे पिक्चर्स को कलर करके मुझे इस वर्क को सेंड करेंगे. ओके. एंड द नेक्स्ट है हमारा डे थ्री से ही है हमारा सेकेंड एक्टिविटी है. आप बुक ओपन कीजिए पेज नंबर 4. सारे बच्चे बुक ओपन किया आपने, ठीक है. पेज नंबर 4 ओपन कीजिए. इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बना है इसमें, रेन ड्रॉप्स. आपको पिक्चर दिख रही है यहाँ पे बोर्ड पे, क्या बना है, रेन ड्रॉप्स. ओके. तो इसमें आपको करना क्या है, पहले हम आपको वो बता देते हैं. ट्रेस एंड कंप्लीट द रेन ड्रॉप्स. ये ट्रेस करना है पहले, रेन ड्रॉप जो पिक बनी हुई है बुक में इसको आप ट्रेस करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये डॉट्स पे बनी हुई है. ओके. तो पहले इसको आप ट्रेस करके कंप्लीट कर लेंगे. सेकंड क्या है हमारा, पेस्ट पीसेस ऑफ ब्लू ग्लेज पेपर टू फिल द रेन ड्रॉप. अब आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस लेने हैं ग्लेज पेपर के, न्यूज़पेपर के नहीं है, आपकी ग्लेज पेपर के स्मॉल पीसेस लेने हैं और जो ये रेन ड्रॉप्स है इसके अंदर पेस्ट करना है. ओके. एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ. पहले आप रेन ड्रॉप्स को ट्रेस कर लेंगे, उसके बाद स्मॉल स्मॉल पीसेस आपको ग्लेज पेपर के ब्लू कलर के लेने हैं और इस रेन ड्रॉप्स के अंदर आपको पेस्ट करना है. ओके. उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं रेन ड्रॉप आपकी होती क्या है. ओके. रेन ड्रॉप्स क्या होता है, जब बारिश की बूंदें आपने देखी है कभी, आपने बारिश देखी है, जब बारिश की बूंदें आपने देखा होगा तो लाइक इसी तरीके से बारिश की बूंदें हमें दिखती हैं, ठीक है. आपने कभी स्काई से बारिश को होते हुए देखा है, देखा है कि नहीं देखा है बच्चों, देखा है ना. तो जब वो ड्रॉप्स नीचे आती है तो लाइक दिस इस तरीके की ये ड्रॉप्स हमको दिखती हैं. ओके. तो ये रेन ड्रॉप्स है जिसको आपको ब्लू कलर के पेपर ग्लेज पेपर को पेस्ट करके दिखाना है. हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. हैव यू एवर सीन वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, क्या आपने रेन को कहता है, हैव यू एवर सीन वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, क्या आपने बारिश को आसमान से होते हुए देखा है, देखा है ना बच्चों, आपने बारिश देखी ना, जब आसमान से बारिश होती है पानी गिरता है आपने देखा है, देखा होगा. तो उसका ऑडियो बनाकर भी मुझे आप सेंड करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर. एंड द नेक्स्ट है हमारा डू यू लाइक रेन, डू यू लाइक रेन बच्चों, आपको रेन पसंद है या नहीं पसंद है, तो उसका भी आंसर आप वीडियो बना करके मुझे सेंड करेंगे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर गॉट इन द रेन, हैव यू एवर गॉट इन द रेन, क्या आपको बारिश में भीगना पसंद है. अगर नहीं पसंद है तो भी, अगर पसंद है हाँ या ना, उसका आंसर देके आप वीडियो के थ्रू मुझे सेंड करेंगे. ओके. आज हमने आपको क्या पढ़ाया, हिंदी में एक कविता मछली जल की रानी है और आई लेटर को ट्रेस किया और रेन ड्रॉप्स में ग्लेज पेपर को पेस्ट किया. अब नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग हैंड एक सॉन्ग. ओके बच्चों, आप सारे बच्चे बुक्स ओपन कीजिए राइम सॉन्ग्स एंड स्टोरी और पेज नंबर क्या है 37, उसको ओपन कीजिए और मेरे साथ साथ उस सॉन्ग को आप गाएंगे. ओके. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. ओके. रेडी हैं आप सारे बच्चे, डन स्टार्ट. टू हैंड्स टू फ्रेंड्स. वंस अगेन रिपीटेड, टू हैंड्स टू फ्रेंड्स. टुगेदर रब rub and scrub, rub and scrub, rub above, scrub above, in between rub and scrub. Once again repeated, rub above, scrub above, in between rub and scrub. Okay, and rub above and scrub above, rub above and scrub above. Rub and scrub. Once again repeated, two hands, two friends. Together rub,
rub and scrub, rub and scrub. फिर rub above, scrub above. In between rub and scrub, rub and scrub, rub and scrub. इस songs को आप learn करके एक छोटा सा video या audio बना करके मुझे send करिए. And the next है हमारा आपके जो notebook है स्वल व्यंजन लेखन, इसमें आज पेज नंबर 12 एंड 13 आप सारे बच्चों को दिख रहा है. पेज नंबर 12 एंड 13 का वर्क है, छोटा वो बना हुआ है. इसको आपको टू लाइन्स ट्रेस करना है, बाकी सब पॉइंट्स बने उस पर आपको राइट करना है. ठीक है, छोटा वो और बड़ा वो को राइट करके मुझे वर्क को सेंड करेंगे. ओके, हैव अ